हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विथ शैरू वन फाइव सिक्स गाइस आप लोग कैसे हैं बताइए कमेंट बॉक्स में मैं एकदम बढ़िया हूं और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं आपकी शादी किससे होगी कैसे होंगे आपकी फ्यूचर इस या होंगी आप महिला देख रहे हैं या पुरुष आपके पार्टनर कैसे होंगे या होंगी इस पर मैं टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ कार्ड्स मैंने फिलहाल यहाँ पर रख दिए हैं और इन पर रख दिए हैं स्टोन्स काफ़ी सारे ताकि आपके कार्ड्स एनर्जी जो है गेन कर लें अच्छे से और आपको जितना अच्छे से एनर्जी बता सकें इसमें हम उनके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसमें उनके उनका मतलब कैसे वो उनका दिखते होंगे कैसा उनका नेचर होगा कैसा आप उनके साथ में ये जो ये वाले जो कार्ड हैं और इसे हम देखेंगे आपका उनके साथ में फ्यूचर कैसा रहेगा वो कैसे होंगे पर तो हम आप कितनी भी एज के हैं आप महिला हैं पुरुष हैं कोई भी ठीक है और साथ ही साथ में काज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑन कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं ठीक है ओके सो गाइज आपकी टाइमिंग मुझे दिखा है ट्रिपल इलेवन ब्यूटीफुल स्टार्टिंग कितनी ब्यूटीफुल है आगे क्या होगा बहुत ही बहुत ही प्यारी एनर्जी आई मीन है यहाँ पर एंजल्स मौजूद हैं यहाँ पर तो प्लीज इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर करें हाँ ओके okay. चलिए तो शुरू करते हैं आपकी आज की रीडिंग अगर आप लोग पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर करें कमेंट बॉक्स में और साथ में एक चीज और लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड आई एम ब्लेस्ड आई एम प्लेट ऑफॉर्मेशन जरूर लिखिएगा ओके चलिए शुरू करते हैं कार्ड्स निकालने के बाद मैं कैमरा ऑन करती हूँ सो so, ये है आपके कार्ड्स किंग ऑफ सोर्स टू ऑफ कप्स एस ऑफ सोर्स नाइट ऑफ वॉन्स ज ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ पेंटिकल ओके सबसे पहले तो आप में से मोस्टली ऐसे लोग देख रहे हैं या फिर अगर मोस्टली नहीं भी हैं तो कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि अरेंज मैरिज पर ही बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि यार अरेंज मैरिज करना सबसे बढ़िया रहता है बिकॉज उसमें ना परिवार खुश रहता है और यू नो बैकग्राउंड काफी uh, मजबूत हो जाता है फ्यूचर में तो यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही एनर्जी मिल रही है कि आप में से कुछ लोग केवल अरेंज मैरिज ही करेंगे और अरेंज मैरिज से आपकी जो शादी होने वाले काफी रहने वाली है काफी बढ़िया काफी यू नो धूम धाम से आपकी शादी होगी बहुत गेस्ट आएंगे और शादी में एक भव्य जो एक प्रोग्राम होता है यू you नो know, बहुत लंबे चौड़े जगह पर बहुत बड़े ग्राउंड में मतलब काफ़ी हैवी जगह मुझे दिख रही हो काफ़ी काफ़ी जनता दिख रही है मुझे यू you नो know, तो अरेंज से करेंगे लेकिन बहुत पॉपुलर आपकी शादी होगी बहुत बढ़िया हर कोई तारीफ करेगा आपकी शादी की यहाँ पर ठीक है आप में से जो भी अरेंज मैरिज करना चाहती हैं उनको भी काफ़ी अच्छे पार्टनर मिलने के चांसेस हैं वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसे एनर्जी मिल रही है आप मेल पर्सन ज़्यादा देख रहे हैं हालाँकि फीमेल होंगे लेकिन मेल की एनर्जी ज्यादा मिल रही है फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी अगर आप अरेंज के थ्रू जाते हैं आपको लव है आपको लव मैरिज करनी है कोई दिक्कत नहीं उनकी हम अलग से यानी इसके बाद पिकअप करेंगे ठीक है अभी जो सबसे पहले जो एनर्जी मिल रही है मैं वो कवर कर रही हूँ अरेंज की ठीक है तो यहां पर अगर आप अरेंज ही करना चाहते हैं आपका माइंड सेट क्लियर है मुझे तो अरेंज ही करनी है और अरेंज से आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा यानी कि हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो आप दो तो हमें जो भी देख रहे हैं आप बहुत ही बढ़िया आपको आपका पार्टनर मिलेगा अंडरस्टैंडिंग होगा वेल एजुकेटेड होगा और हाँ रिच भी होगी होगी या होगा जो भी है ठीक है और उसके पास ना मतलब उसके परिवार जो लड़की का या लड़के का जो खानदान होगा वो काफ़ी रिच होगा ठीक है बात कर लेते हैं चाहे अरेंज का हो चाहे लव का हो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रहेगी आप दोनों के बीच की और केमिस्ट्री इज़ लाइक ए आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी बिना कहीं दूसरे की इमोशंस को समझना बिना कहे इशारों से समझ जाना अच्छा ये ये इसको इसका इस बात का बुरा लग रहा है इसको ये अच्छा नहीं लग रहा अच्छा इसका ये मन है इसका वो मन है ये ये कहना चाहती है या वो कहना चाहता है आप लोग खुद समझेंगे अब वो भी आपको सिमिलर समझेंगे यू नो और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी फिजिकली भी आप बहुत यू नो सेटिसफाई होंगे एक दूसरे से बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है जो कि बहुत ही इस मामले में काफ़ी एक्टिव कार्ड माना जाता है सेक्चुअली तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ऑल टाइम यू नो बैड केमिस्ट्री जो बेडरूम केमिस्ट्री जो होती है वो बहुत ही ऑसम awesome रहने वाली है बिकॉज यहाँ पर रेड कलर बहुत है इस, इस कार्ड में रेड रेड बहुत है तो ये जो कार्ड बताता है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी लव मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों के चांसेस है लव मैरिज के लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि शायद कुंडली का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है पता नहीं मुझे किसी ने बताया था कि कुंडली तो शायद क्रिश्चन uh, छोड़ के मे बी आई डोंट नो मुझे क्रिश्चन का भी पता नहीं है मिलवाते हैं कि नहीं मिलवाते पाते बट मैंने सुना है कि हर धर्म में कुंडली मिलवाई जाती है और उसके बाद ही शादी करवाई जाती है ठीक है तो कुंडली का मैं भी पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ग्रह से बैठे होंगे आपके पार्टनर के जो जिसके आप अगर जिसके लिए देख रहे हो लव मैरिज के मामले में उनकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठा होगा जो आपकी कुंडली के खिलाफ रहेगा और ऐसे में जब पंडित आप लोगों की शादी को मना करेंगे तो आप लोग बोलेंगे डो no वे ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता यू you नो know, हम तो इसी से करेंगे हाँ करने को बिल्कुल आप कर सकते हो लेकिन वो जो मैं कुंडली का दोष बता रही हूँ वो किसी किसी की कुंडली में ही होगा एक हाथ दो ही ऐसे होंगे लेकिन है किसी की कुंडली में तो दोष बोल रहा है और बोलेगा और पंडित आपको बताएगा लेकिन आप लोग वही है नहीं मानने वाले लेकिन प्लीज अगर वो बहुत मेजर है तो इस चीज़ पर फोकस कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर वो मेजर मुझे अगर इंट्यूशन वाइज मिल रहा है मीनस वो काफ़ी मेजर है तो प्लीज़ ज़िद में आकर गलत काम कदम या काम मत कीजिएगा अगर बड़े सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप अलग अलग पंडित को भी दिखा रहे हैं उस सेम चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो प्लीज़ रिस्क मत लीजिएगा ठीक है बेशक प्यार है बहुत है मैं मानती हूँ लेकिन रिस्क ना लें अदरवाइज़ जो जिन लोगों को कुंडली का प्रॉब्लम नहीं है जिन लोगों को किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है उनको हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर किंग ऑफ सोयर्स है टू ऑफ कप्स है एस ऑफ सॉयर्स है बिल्कुल मे uh, भी किसी किसी की चटमगनी पट गया होगा भले ही लव मैरिज कर रहे हो आप वाह यहाँ पर ट्रिपल फाइव दिखाई दिया मुझे ओके तो देखिए एस ऑफ सोर्स का दिखना और फिर ट्रिपल फाइव का दिखना एक एक तरीके से एक एनर्जी क्रिएट करता है कि हो सकता है कि बिकॉज मुझे जब मैंने ये वाला कार्ड देखा था ना जब आपकी एनर्जी मैं पिकअप करी तो ये वाले कार्ड से पता चल रहा था कि मे भी शायद फादर से झगड़े हो सकते हैं तो ट्रिपल फाइव का दिखना और ये एनर्जी ऑफ इस को देखना और सडन वो देखना तो इसका इट मीन्स कि प्लीज़ शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिएगा हो सकता है आप थोड़ा सा हाइपर हो जाए आपको उसी से करनी है इसीलिए और घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो मे भी शायद आप अपशब्द कह सकते हो तो प्लीज़ इस बात पे आप अपने जुबान पर कंट्रोल ज़रूर रखिएगा बोलते समय आप शब्दों का चयन सोच समझ के करें आप लहजे का चयन सोच समझ के करें आप बोलें अपना पक्ष रखें लेकिन एक तरीके से आप किसी को अपमानित ना करें आप बड़े हो बड़े से बात कर रहे हों आप तो चाहे छोटे से बात कर रहे हों एक सीमा बनाकर रखिएगा जिसको आप नहीं लागेंगे गुस्से में भी बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर पेरेंट्स मना करेंगे तो हो सकता है कि शायद आप अपश्द कह दें आप अपनी लिमिट क्रॉस कर दें शायद एज अ बेबी किसी का पेरेंट्स आप अगर आप किसी पेरेंट्स से बात कर रहे हैं अपने पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स से तो एक लिमिट होती है हर किसी की कि वो नहीं आपने क्रॉस करना है एक अच्छा इंसान होने के नाते ऐसा आपको एंजर्स गाइड कर रहे हैं ठीक है हालांकि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल हो जाए लव मैरिज यहाँ मुझे दिख रही है कितने परसेंट मुझे सेवेंटी टू एट्टी परसेंट लव मैरिज दिखाई दे रही है ठीक है और बाकी क्या मैंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी कुंडली वगैरह का तो वहाँ पे आप में भी अंडरस्टैंडिंग होगी सामने वाले में भी और वो समझेंगे आपको ठीक है तो किंग ऑफ सॉर्स टू ऑफ कप्स ठीक है आप में से काफ़ी लोग इस समय मे बी या तो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या फिर फेस टू फेस जानते हैं लेकिन कन्फेज नहीं किया है कन्फेज भी होगा बहुत जल्दी कन्फेज होगा बिकॉज किंग ऑफ सॉर्स है यहाँ पर तो किंग ऑफ सॉर्स हमें गाइड कर रहे हैं कि हाँ भाई बहुत जल्दी यहाँ पर आप लोगों की बातें खुलकर सामने आएंगी आप दोनों डेट कर सकते हो डेट पर नहीं भी करोगे तो कंफेज होगा यहां पर कि हाँ भाई मेरे मन में ये फीलिंग है तुम्हारे लिए तुम्हारे मन में क्या फीलिंग है मुझे बताओ तो आप लोग ही बताओगे कि हाँ भाई मेरे मन में भी ये फीलिंग है तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा यहां पर और एक और चीज दिख रही है टू ऑफ ऑफ कप्स एंड से कि जैसे जैसे आपके रिश्ते को वक्त होता जाएगा ना तो विश्वास और बढ़ता जाएगा मजबूत होता जाएगा ये रिलेशनशिप से शादी से पहले का भी सीन होगा और शादी के बाद का भी कि मतलब पहले भी विश्वास और प्यार बिल्ड हो रहा है और उसके बाद भी बढ़ता जा रहा है घटने वाला सीन नहीं ठीक है, है और एक और चीज मैं बता दूँ काफी लोगों को डर रहता है काफी कॉमेंट्स में भी आ, ऐसे आ, कमेंट आते हैं कि भाई अभी बाद में तो नहीं आ जाएगी थर्ड पार्टी अगर पहले कोई थर्ड पार्टी रही हो तो आप काफी डरते हो कैसा ना हो बाद में भी आ जाए नहीं वो तो नहीं आएगी क्योंकि जब दो लोगों के बीच में ब्लेस रिलेशनशिप होती है ना तो कोई थर्ड पार्टी नहीं आती सारी कार्मिक पहले ही निपट जाते हैं अगर आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और आपकी यूनियन नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्मिक्स तो वो कार्मिक का सीन सारा शादी से पहले या फिर आप दोनों के एक होने से पहले ही कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद आपकी यूनियन होती है ठीक है तो इस बात का डाउट अपने मन से निकाल दीजिए बाद में तो नहीं आ जाएगी नहीं कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में नहीं आई लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर तो एक गाइडेंस के तौर पर आपको ये एनर्जी दी जा रही है कि अपनी बातों को जैसे कि काफी बार होता है कि पति पत्नी के बीच की बात इंसान या तो मम्मी पापा को बता देता है या तो भाई बहन को बता देता है या तो को देता है, दोस्त को बता देता है यहां ऐसी एनर्जी मिल रही है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अगर मैरिड हैं तो भी आपने ये बात दिमाग में रखनी है और इस चीज को फॉलो करना है केयरफुली चाहे कितना भी विश्वसनीय इंसान क्यों ना हो आप अपने दोनों के बीच की बात सामने वाले इंसान को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये आप दोनों के रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करेगा क्योंकि अगर आप किसी से भी करते हैं शेयर सामने वाला अच्छा है तो ओके बट अगर वो बेकार इंसान हुआ तो आप लोगों के रिश्ते में खटास आ सकती है दरार आ सकती है तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें झगड़ा अपना खुद सॉल्व करें कुछ भी मैटर है खुद सॉल्व करें इसमें थर्ड पर्सन को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इन्वॉल्व करूंगा और यू you नो know, यहाँ पर मुझसे नहीं सुलझ रहा है और आप, आपको बात करने में डर लगता है या फिर आपको अपने पार्टनर का भी बार होता है कि दोनों में से कोई एक इंसान एक इंसान से डरता है तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा आप खुद खड़े होकर खुद बात कीजिएगा अपने मैटर पर ठीक है उससे क्या होगा ना कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में दरार नहीं डाल पाएगा ओके okay. अब में से काफ़ी लोग ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि शादी से पहले किसी रिलेशनशिप में रहे होंगे मे बी इन ट्यूशन वाइज मुझे फील हो रहा है कि आप किसी से पहले प्यार करोगे आपका दिल टूटेगा फिर अरेंज के थ्रू आपको ये लड़का या लड़की मिलेगा और ये पर्सन इतना हील होगा इतना हील होगा कि इस इंसान से मिलकर ना आपको भी हीलिंग मिलेगी आपकी हार्ट वीकनिंग होगी आपको वो लव जो होता है ना ट्रू लव जो आप हर जगह ढूंढते हो लेकिन आपको नहीं मिलता वो आपको वहाँ मिलेगा अपने पर्सन से अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप हर जगह ढूंढ रहे हो आपको लगता है कि नहीं यार मेरा नसीब तो वैसा वैसा है मुझे टू लव मिल नहीं सकता लेकिन यकीन माने जैसे आपकी शादी होगी वो फी वो फीलिंग वो फेज आप फील कर सकोगे पास्ट में कितना भी टॉक्सिक पास्ट क्यों ना आओ आपका जो शादी उस इंसान से होगा ना चाहे वो आपका न्यू पार्टनर लव के थ्रू हो चाहे अरेंज के थ्रू हो लेकिन वो जो पार्टनर आपका वाइफ या हस्बैंड बनेगा वो उस इंसान की बात मैं कर रही हूँ एक्सक्यूज मी ओके सो यहाँ पर आ, दोनों आप आपके लाइफ में आपके ट्रस्ट में बहुत मतलब आप आपका ट्रस्ट गेन करना और आपकी सोच बदल देना रिलेशनशिप को लेकर इंसानों को लेकर आपकी सोच बदल देना आपके लाइफ में आपके पीस ऑफ माइंड में बैलेंस लेकर आना यू you ना know, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ठीक है एक डिवाइन लव आपको फ़ील होगा मतलब वो इंसान को उस इंसान को जब आप देखेंगे ना आपको ये फील होगा यार ये एंजल है यार ये गॉड गिफ्ट है ये मुझे कैसे मिल गया वो आना नहीं कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी मूवी का गाना जो है अगर आपने नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च करके कर, कर देखिएगा कैसे मुझे तुम मिल गई गजनी सॉन्ग बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है वही सॉन्ग आप पे पूरा पूरा मैच होता है कि भाई इतना बढ़िया पर्सन कैसे मिल गया मुझे I mean, really? मतलब बहुत ही, बहुत ही ही ब्लेस्ड पर्सन आपको मिलेगा और आपकी कहता ना एक आत्मा तृप्त हो जाना उस वाला सीन वो वाला सीन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक है ओके okay. यहाँ पे एक और एनर्जी मुझे मिल रही है ट्रस्ट <clears throat> करना सीखना होगा गाइज आपको कुछ लोगों की तो हार्ट अवेकनिंग हो जाएगी लेकिन कुछ लोग फिर भी ट्रस्ट करने से डरते हैं मतलब ये समझ लें कि अगर आपको ये पर्सनल लव के थ्रू मिल रहा है आपको अप्रोच कर रहा है अगैन एंड अगैन आप उसको हर बार रिजेक्ट कर रहे हो ठीक है और जो कि आपको नहीं करना है नहीं करना मतलब नहीं करना ठीक है आप ट्रस्ट करना सीखिए ना पास में जो कुछ हुआ कब तक उसे ढोते रहोगे प्लीज लेट गो कीजिए हील कीजिए ज़रूरत है इस चीज़ की और यहाँ पर आप ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर पे ये जरूरी है ठीक है आपको भगवान आने वाले टाइम में ना यू नो पंख देने वाले हैं पंख वो रिलेशन आपके लिए पंख का काम करेगी और आप ब्लेस्ड फील करोगे इस वर्ल्ड में गॉड ब्लेस यू ऑल आई होप आप सभी लोग खुश रहें लाइफ टाइम अपने पार्टनर के साथ में और ये व्यक्ति आपको यू नो ऊंचाइयां देगा वो ट्रस्ट देगा आपको बोलेगा कि यार मैं हूं तू चाह तू कर जो जो करना है आप अगर पुरुष देख रहे हैं तो भी आपको हमेशा अपने पार्टनर का एक सपोर्ट मिलता ही रहेगा इमोशनली भी फिजिकली भी मेंटली भी आप जैसा चाहो वैसा क्योंकि वो इंसान ना आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा अगर आप हार मानोगे ना तो वो नहीं मानेगा वो कहेगा नहीं तू कर सकता तू कर मुझे पता है तू कर सकता है आपका पार्टनर आपको ऑल टाइम मोटिवेट करेगा या करेगी वाइफ हो चाहे आपकी हस्बैंड हो आपका हमेशा मतलब कंधा देना अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत हो अपना कंधा दे दिया अपना अपना सपोर्ट दे दिया अ, मनी चाहिए मनी दे दिया जो चाहिए वो दे लेकिन आप आगे बढ़ो ऐसा बिल्कुल भी नहीं 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 घर में बैठो बहुत हो गया तुम्हारा आज़ादी से खेलना अभी तुम घर गर गृहस्थी में उलझो और ये करो वो करो नहीं आप महिला देख रहे हो चाहे पुरुष आपको हमेशा इक्वल रिस्पेक्ट इक्वल प्यार इक्वल सब कुछ मिलेगा उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं फ्यूचर को लेकर अपने पास्ट को आज इसी वक्त छोड़ दो इसी में भलाई है आपकी ठीक है सो ये थी आपकी आज की रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो मुझे भी काफ़ी पसंद आई है सो गॉड ब्लेस यू ऑल अपना ध्यान रखिएगा पर्सनलिटी के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर इंस्टा पर या फिर ईमेल पर ठीक है मिलती हूँ आप सक्रिय हम तो ख्याल रखिएगा बाय टेक लव यू ऑल वहाँ